नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू येट अनदर सेशन विद फर्टिलिटी दोस्त। और इस सेशन में हमारे साथ सॉरी और हमारे इस सेशन में हमारे साथ रहेंगे एक बहुत सीनियर डॉक्टर। इसीलिए आज हमने सोचा चलिए बात करते हैं IUI के बारे में। वी ऑल नो दैट व्हेन देयर सम डिले इन नेचुरल कंसेप्शन वी मस्ट विजिट आर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर। बट आगे एक विजिट के बाद क्या किया जाए, कौन से टेस्ट करवाए जाएं और कैसे प्रोसीड फर्दर किया जाए, क्या जरूरी है कि हर विजिट IVF में ही कन्वर्ट हो जाए, क्या जरूरी है कि हर विजिट को सोचकर देखकर हम सोचें कि व्हाट नेक्स्ट, ऐसा नहीं है। हर विजिट अगर आपकी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास है देन इट डजंट मीन कि आप IVF ही करवाएंगे। हो सकता है आपके मेडिकल कंसर्न्स, आपके इश्यूज कुछ थोड़े से हो, थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज करने से आप IUI के थ्रू कंसीव कर जाएं। बट हमने ये देखा कि बहुत लोगों को कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन है कि लोग डॉक्टर के पास जाते ही बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर आप सीधा IVF कर दीजिए। ऐसा क्यों? अगर आपका केस या आपकी मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है डॉक्टर आपको IUI सजेस्ट कर रहे हैं देन वाई नॉट IUI। लोगों का मानना है कि IUI का सक्सेस रेट बहुत कम है इसलिए हम नहीं चाहते, इसलिए हम सीधा IVF के लिए जाना चाहते हैं। बट डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आपके लिए IUI ही पॉसिबल है देन व्हाई नॉट फर्स्ट गिव इट अ ट्रायल। सो IUI को कब चूज करें, कैसे चूज करें और क्या सच में IUI हमें प्रेगनेंसी दे सकता है, इन सारी बातों का जवाब आज हम लेंगे डॉक्टर शालिनी नागपाल के साथ। और व्यूअर्स, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपकी जितनी क्वेरीज हैं, आपके सवाल हैं IUI से रिलेटेड या एनीथिंग कंसर्न टू फर्टिलिटी, आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चंस एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके नहीं पूछना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपकी क्वेरी एज एनोनिमस पोस्ट करेगी लाइव सेशन पे। बट प्लीज आप लाइव सेशन पूरा देखिएगा और अगर शुरू में कहीं मिस होता है, आप ज्वाइन करने में लेट हो जाते हैं, तो ये सेशन हमारा यहीं पे सेव्ड रहेगा, आप इसको दोबारा देखिए और जानिएगा कि हाँ IUI ही क्यों आपके लिए। और Before starting the session, I would like to thank UNS for arranging such wonderful informative sessions. Thank you UNS team. आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत जाने माने डॉक्टर्स को लेकर आए जिससे कि हमारे व्यूअर्स को बहुत फायदा हुआ। We are getting n number of comments, n number of appreciation messages from our viewers. इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग ब्यूटीफुल वंडरफुल सेशंस। सो व्यूअर्स, लेट्स ऐड आवर गेस्ट टू द मेन स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। नमस्कार डॉक्टर शालिनी, वेलकम टू फर्टिलिटी। नमस्ते पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शालिनी नागपाल। डॉक्टर शालिनी नागपाल इज अ डायरेक्टर ऑफ नागपाल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड एडवांस्ड IVF एंड फर्टिलिटी सेंटर श्री गंगानगर। सो व्यूअर्स, अगर आप वहाँ से हैं, वहाँ के आसपास से हैं, तो प्लीज़ हम कहेंगे अपने कोई भी इश्यूज, अपने किसी भी प्रॉब्लम को बड़ा मत समझिए, आप प्लीज डॉक्टर नागपाल के पास एक बार विजिट कीजिए, हो सकता है वो मुश्किलें ऐसे ही सॉल्व हो जाए। डॉक्टर नागपाल के बहुत सारे पेपर्स पब्लिश्ड हैं एट जोनल एंड नेशनल लेवल्स एंड हर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आर मेल फर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी एंड अलॉन्ग विद दैट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, जो कि कहीं ना कहीं हम ART प्रोसीजर्स के साथ उसको जोड़ देते हैं। सो डॉक्टर नागपाल, शुरू करें अगर आज का सेशन तो हमारा मेन टॉपिक है व्हेन टू चूज IUI। बहुत मिसकंसेप्शंस हैं डॉक्टर इस चीज को लेके, बिकॉज पीपल यूजली सेज कि छोड़ देते हैं IUI, लेट्स स्टार्ट विद द IVF बिकॉज एज सच IUI का सक्सेस रेट इज लेस। बट IUI से हमने भी बहुत सारी प्रेगनेंसीज देखी हैं और आपने अपने कैरियर में बहुत सारे लोगों को इस ब्यूटीफुल जर्नी में सक्सेस किया है,
तो आप बताइए कि IUI को कब चूज कर सकते हैं और कैसे, कौन से ऐसे कपल्स हैं जिनके लिए IUI इज द बेस्ट ऑप्शन? देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि IUI है क्या। IUI एक ऐसा प्रोसीजर है, इट्स अ स्मॉल प्रोसीजर जिससे हम जो हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं उनमें उनको वॉश करके जो बेस्ट मोटाइल स्पर्म्स हैं वो हम फीमेल के यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें हम पहले फीमेल के एग्स बनाते हैं और उसके बाद एग्स को रप्चर करने का इंजेक्शन देते हैं और उसको जो स्पर्म्स हैं हस्बैंड के उनको वॉश करके जो बेस्ट गुड क्वालिटी मोटाइल स्पर्म्स हैं उनको हम यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। इससे हमें फायदा ये होता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन एग और स्पर्म है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है और मोस्ट ऑफ द सर्वाइकल फैक्टर्स जो हैं उनको हम बाईपास कर जाते हैं। सो IUI का रोल, IUI एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें बहुत से फैक्टर्स जो हैं हम हमने नेचर पे छोड़ दिए हैं और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ हमारे हाथ में आए हैं, अनलाइक IVF जिसमें काफी कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, ऐसा IUI में नहीं होता है। IUI में वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर टू फेवर द प्रोसेस, दैट इज वाई IUI का सक्सेस रेट जो है वो थोड़ा सा डाइसी हुआ है। उसका सक्सेस रेट हम कितना भी आइडियल कंडीशंस ले ले 15-20% से ऊपर नहीं जाता है और एवरेज 10-15 ही रहता है। इन आइडियल कंडीशंस इट कैन बी 15-20%। अब पेशेंट्स जो आप बता रहे हो कि पेशेंट्स कहते हैं कि मैम हम तो IVF करवाएंगे, ऐसे बहुत से पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम तो IVF करवाएंगे, हम IUI नहीं करवाएंगे बिकॉज इसका सक्सेस रेट बहुत एज कम्पेयर टू IVF कम है। बट अगर हम अच्छा पेशेंट सिलेक्शन करें तो आई थिंक IUI कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स। एक तो पेशेंट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, दूसरा IUI का फायदा ये है कि इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप IVF को देखो इट इज नॉट दैट कॉस्ट इफेक्टिव, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड इट एंड IVF इज नॉट 100% सक्सेसफुल। तो जहाँ IVF है वहाँ देर कैन बी सिक्स साइकिल्स ऑफ IUI। डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू गिव सिक्स साइकिल्स बट अ पेशेंट शुड ट्राई 2-3 साइकिल्स एटलीस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्टिंग द पेशेंट राइट पेशेंट 2-3 साइकिल्स कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स। वन साइकिल 10-15% बट इन 3 साइकिल्स द क्यूमुलेटिव प्रेगनेंसी रेट कैन गो अप टू 30-40%। सो IUI शुड बी ट्राइड बट देर आर सर्टेन कंडीशन इन विच वी कैन ट्राई IUI। ऐसी कंडीशन है जिसमें हम IUI ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपकी ट्यूब्स खुली होनी चाहिए। आपकी ट्यूब्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम IUI नहीं कर सकते। दूसरा, हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं या सीमन एनालिसिस है वो काफी हद तक नॉर्मल होना चाहिए। अगर स्पर्म और या माइल्ड फैक्टर जो है मेल फैक्टर एबनॉर्मेलिटी इसमें चल सकती है, जैसे कि थोड़ा सा स्पर्म काउंट कम है या हल्की सी मोर्टेलिटी कम है, तो ये दीज आर आइडियल कैंडिडेट्स फॉर IUI, माइल्ड टू मॉडरेट। बट अगर किसी पेशेंट में सिवियर स्पर्म्स डिसफॉर्मिटी है या मोर्टेलिटी कम है या उसका काउंट्स बहुत ही ज्यादा कम है, सिवियरली कम है, तो ऐसे केस में दे आर दीज पेशेंट्स आर डायरेक्टली फॉर IVF। पर माइल्ड टू मॉडरेट मेल फैक्टर है, लॉन्ग शॉर्ट इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम ऑफ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, जैसे 2-3 साल की अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट लॉन्ग स्टैंडिंग अनएक्सप्लेन में आप नहीं ट्राई कर सकते। फिर पेटेंट ट्यूब्स होनी बहुत जरूरी है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ऐसे पेशेंट्स जिसमें कोइटल प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपस में इंटरक्रोस करने में प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स को IUI हेल्प्स। इफ दैट इज द ओनली कॉज, अगर हमने उस कॉज को ही रिमूव कर दिया तो डेफिनेटली IUI इज गोइंग टू गिव अस रिजल्ट्स। और या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स हैं जो आजकल काफी कॉमन है बिकॉज ऑफ बोथ द पार्टनर्स आर वर्किंग, तो ऐसी कंडीशन में IUI डेफिनेटली गिव्स यू रिजल्ट्स। या कई बार हस्बैंड के फ्रोजन सैंपल्स होते हैं, हस्बैंड फॉरेन रह रहा है, तो ऐसे केसेस में IUI इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव रिजल्ट्स। वन मोर सिचुएशन आई वॉन्ट टू शेयर विद यू इज दैट व्हेन द हस्बैंड इज एजियोस्पर्मिक, देन डोनर, इफ यू आर गोइंग टू डू डोनर इंसेमिनेशन देन वाई टू गो फॉर IVF, वन शुड गो फॉर IUI। डोनर IUI इज बेटर एंड चीपर इफ द मेल, देयर इज टोटल मेल फैक्टर एबनॉर्मेलिटी।
सो दीज आर द फ्यू कंडीशंस जिसमें IUI इज आइडियल एंड वन शुड डेफिनेटली गो फॉर IUI बिफोर गोइंग फॉर IVF. पर ऐसे केसेस जहां लॉन्ग स्टैंडिंग अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज्यादा है या ट्यूब्स अच्छी नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी मैंने देखा कई पेशेंट्स के IUI हुए, तो ऐसे केसेस में IUI करने का कोई फायदा नहीं है. दैट इज द मैसेज आई वॉन्ट टू गिव. सो थैंक यू डॉक्टर नागपाल. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बिकॉज एज आई मेंशन इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन ऑल्सो, लोगों को लगता है IUI रहने देते हैं, जस्ट लीव इट एंड लेट्स जंप टूवर्ड्स IVF. डॉक्टर नागपाल, आपने मेंशन किया रिगार्डिंग द पेटेंसी ऑफ ट्यूब्स, तो अगर एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ओपन है देन वॉट? देन ऑल्सो वी कैन गो फॉर IUI. One okay. tube can give us pregnancy. Even I have seen natural pregnancies with one tube. Patients have completed families with one tube. Right. So why not if the pain, why jump to IVF directly? I don't think so. Yes, considering the age, you can shorten the number of cycles. If the patient is aged. Cycles of IUI. Okay. Okay. So patient is young, you can. सो मैक्सिमम कितना डॉक्टर नागपाल, अगर हम कहें कि बिफोर 35 और आफ्टर 35 में, तो इसमें मैक्सिमम और कैसे आप साइकल्स डिसाइड करते हैं IUI के? सी वी हैव टू सी द मेनी फैक्टर्स. वी हैव टू सी द एग रिजर्व, वी हैव टू सी द एज ऑफ द पेशेंट, वी हैव टू सी कि ड्यूरेशन कितना हो गया है, कपल कितनी देर से ट्राई कर रहा है इनफर्टिलिटी के लिए. Right. अगर तो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है तो और एग रिजर्व पुअर है तो वाई टू गो फॉर IUIs. पर अगर एग रिजर्व अच्छा है पेशेंट का और अभी लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी भी नहीं है, सपोज पेशेंट इज 32 बट शी इज रिसेंटली मैरिड, सो वी कैन गो फॉर IUI, वाई टू गो फॉर IVF देन. बट अगर पेशेंट के 8 साल हो गए शादी के और एग रिजर्व AMH लेवल इतना अच्छा नहीं है, देन वाई टू गो फॉर IUI एंड शी इज एजेड ऑल्सो नियर 35. So we have to see many criteria. It's not one single criteria which decides. Mostly patients में हम लोग 3 cycles तो देते हैं. अगर हमने IUI के लिए patient हमें ideal लग रहा है तो हम उसमें 3 cycles तो देते हैं. और अगर male factor है या donor है तो 4th भी दे सकते हैं अगर donor IUI is the. पर अगर patient का borderline है age में, infertility थोड़ी सी लग रहा है कि काफी देर हो गई है, पेशेंट की ट्रीटमेंट मोनोटनी हो गई है, सो पेशेंट बोर हो जाता है कि मैडम तो हर बार IUI कर देती है ना, और रिजल्ट आने का रिजल्ट का सक्सेस कितना कम है, तो ऐसे केस में यू शुड नॉट प्रोसीड मच मोर देन 3 साइकिल्स. बिकॉज क्योंकि जब हम देखते हैं तो 6 साइकिल्स अगर सपोज हमने कर दिए तो दैट इज इक्वल टू 1 IVF, और सक्सेस रेट IUI का कितना कम है, तो इससे अच्छा 3 साइकिल्स के बाद यू काउंसल द पेशेंट फॉर IVF. और यू काउंसल द पेशेंट कि आप थोड़ा देर रेस्ट कर लो, मोनोटनी को ब्रेक करो, रेस्ट करो, देन कम बैक. देन राइट. सो डॉक्टर नागपाल, ऐसा है कि IUI उन्हीं केसेस में हम करते हैं जहां पे मेल इश्यूज हो? ऐसा नहीं, मेल इश्यूज इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. इफ देयर इज माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, नॉट वेरी लॉन्ग इनफर्टिलिटी हिस्ट्री, if there is I have told you ki jaise aap keh rahe ho ek tube blocked hai aur infertility history hai, isme bhi hum try kar sakte hain kyunki ek tube to fir bhi khuli hai patient ki, long distance agar relationships hain hai na, usme hum try kar sakte hain. aur jaise ki maine bataya coital problems hoti hain kahiyon ko married life mein, un cases mein it is very helpful. kai baar kisi pe performance pressure itna hota hai और यहाँ वर्क प्रेशर इतने होते हैं लोगों के. आई हैव नाउडेज आई कम अक्रॉस कपल्स जिन पे वर्क प्रेशर इतना है, वो कह रहे कि हम लोगों से इट हैज इनफर्टिलिटी में मैकेनिकल हो गया मैम, प्रॉब्लम हो रही है हमें, कोइटल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है. बिल्कुल राइट राइट राइट. तो ऐसे केसेस में IUI कैन हेल्प बिकॉज द प्रॉब्लम इज द कोइटल प्रॉब्लम, इट इज नॉट के बाकी सारे पैरामीटर्स तो नॉर्मल है. ठीक है, राइट राइट. साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है. बिल्कुल. So we can say that just discuss the options with your doctor. ऐसा नहीं है कि IUI के success rate कम है तो आप बस सीधा अपने doctor को कहिए कि नहीं हमको तो success ही चाहिए तो let's do IVF. It's not that. And we have seen many IUI success cases also with us. So doctor, अभी यहाँ पे हम एक query लेंगे.
माई ए एम एच इज 1, एज इज 39 एंड 1 ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब. शुड आई गो फॉर IVF और IUI? आई थिंक शी शुड गो फॉर IVF बिकॉज हर ए एम एच इज वेरी लेस. इन्होंने यहाँ पे अपना एंट्रल फॉलिकुलर काउंट नहीं लिखा, अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल्स कितने दिख रहे हैं, बेसलाइन स्कैन. बट आई थिंक जितना मैं देख रही हूँ उस हिसाब से शी शुड गो फॉर IVF बिकॉज द ओवेरियन रिजर्व इज लेस, एज इज मोर एंड सो आई थिंक शी शुड गो फॉर IVF विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. अगर हम IUI करेंगे तो वी विल वेस्ट सम ऑफ आवर टाइम, सम ऑफ आवर मनी एंड सम ऑफ आवर एग्स ऑल्सो, बिकॉज सक्सेस रेट इज नॉट वेरी गुड. और ऐसे केसेस में जहाँ पे ओवेरियन रिजर्व ऑलरेडी इतना कम हो गया है, डिप्लीट हो चुका है, वहां पे वी शुड नॉट वेस्ट पेशेंट्स टाइम. राइट. सो अगर आप हमारे सेशन में हैं एंड इन केस यू वांट टू डिस्कस दिस क्वेरी फर्दर, सो प्लीज जैसे डॉक्टर ने मेंशन किया कि जस्ट लेट अस नो कि आपका AFC कितना था, सो दैट डॉक्टर कैन गाइड यू प्रॉपरली. एंड अदरवाइज ऑल्सो शी सेड कि अकॉर्डिंग टू एज आपको IVF पे ही जाना चाहिए. डॉक्टर नागपाल, एक बहुत सवाल एक बार बहुत हर बार आता है कि वॉट एग्जैक्टली इज डबल IUI? ऐसा है, डबल IUI सम ऑफ द पीपल आर डूइंग, दे डू इट एट 18 आवर्स एंड 36 आवर्स, पर स्टडीज इतनी ज्यादा हुई हैं एंड दे से द रिजल्ट्स आर नॉट डिफरेंट इवन इफ यू डू सिंगल IUI और यू डू डबल IUI. डबल IUI में यू चार्ज मोर फ्रॉम द पेशेंट, व्हेन द रिजल्ट इज द सेम देन व्हाई टू डू टू IUIs, मोर विजिट ऑफ पेशेंट एंड मोर मनी ऑफ पेशेंट, बेटर टू डू सिंगल IUI. Most of the people now have shifted to single IUI. Single IUI is best. आप double IUI try कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि donor है IUI. Because अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग IUI में patient को natural intercourse के लिए भी promote करते हैं. हम बोलते हैं कि आप एक दिन पहले मत कीजिए, उससे पहले आप करिए और बाद में भी करिए, दो दिन IUI के बाद भी करिए. Because a single insemination may not give you pregnancy in the whole month. एक इंसेमिनेशन डॉक्टर द्वारा की गई, जरूरी नहीं आपको प्रेगनेंसी दे. आपके अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल है तो आप रूटीन में अपना बाद में भी करिए IUI के बाद इंटरकोर्स दो तीन दिन तक, और एक दिन छोड़ के पहले भी करिए. तो अगर कोई डोनर इंसेमिनेशन करवा रहा है तो वो एक सिंगल इंसेमिनेशन पे उसकी प्रेगनेंसी का रिजल्ट आधारित है उसके कि वो होगी नहीं प्रेगनेंट. तो देन यू कैन डू डबल IUI. देन आई थिंक इट कैन, इट इज माई, इन माई पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस के डोनर में फिर भी जस्टिफाइड है, पर जहां हस्बैंड, आप हस्बैंड इंसेमिनेशन कर रहे हो IUI, वहां पे देयर इज नो नीड, लेट द कपल ट्राई देमसेल्व्स आल्सो, नेचर हेल्प्स. बिल्कुल बिल्कुल, टोटली एग्री विद यू. राइट राइट. सो डॉक्टर, पीपल आर आस्किंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिगर इंजेक्शन. हमने बहुत बार सुना ट्रिगर दिया, लोग कई बार हाइपर हो जाते हैं, ट्रिगर दे दिया फिर भी डॉक्टर हमें नहीं बुला रही है, इतने घंटे निकल गए, तो अगर हमारा एग निकल गया फिर क्या होगा. एंड एट टाइम्स वी हैव हर्ड फ्यू केसेस जिसमें कि जब ट्रिगर के बाद इंसेमिनेशन के लिए पेशेंट जाता है तो वी कैन नॉट सी द ओवम, हमको सिर्फ कॉर्पस लूटियम दिख रहा है और पता चला कि वो उस मे बी वहां पे है ही नहीं, कुछ इधर उधर हो गया. तो व्हाट एग्जैक्टली इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रिगर इंजेक्शन इन IUI एंड इन IVF बोथ? ऐसा है, ट्रिगर इज आर्टिफिशियल रप्चर, इट इज फॉर द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द एग. हम अंडे को खुद फुटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी मर्जी से अंडा फूट के ट्यूब में आ जाए. उससे क्या होगा कि हमारे को थोड़ा टाइमिंग पता चल जाती है कि हमने स्पर्म को कब यूट्रस में रखना है. अगर हम ट्रिगर नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि रप्चर कब हो रहा है. हमने थोड़ा सा IUI की में यही एक ब्यूटी है कि हमने थोड़ा सा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. देखिए IUI ऐसा है, आप समझे बात, IUI ऐसा है कि हमने एग्स बना दिए, डॉक्टर ने एग्स बना दिए, डॉक्टर ने एग्स बना के उनको मॉनिटर कर लिया, उन्होंने देख लिया कि एग का साइज अच्छा है तो इट मींस इट विल बी अ गुड फॉलिकल, एक अच्छा एग बना है. उसके बाद हमने ट्रिगर दिया उसको रप्चर के लिए. अगर हम ट्रिगर नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा और हमारी टाइमिंग ऑफ IUI कैसे डिसाइड होगी. जनरली IUI हम 35 to 36 आवर्स आफ्टर ट्रिगर करते हैं,
देयर इज अ काइंड ऑफ अ रूल कि जो ट्रिगर है ये एक है कि ट्रिगर दिया जाता है कि 35 से 36 घंटे में रप्चर हो जाएगा, तो हम उस रप्चर को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वो एग ट्यूब में चला जाएगा और हम एक तरह से स्पर्म को एग के नजदीक उस टाइम पे लाएंगे जब एग ट्यूब में चला जाएगा, ताकि स्पर्म्स अपना जो 15-20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ट्रेवल करके ट्यूब में पहुंच जाए और उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए। और ट्रिगर हमारा इस चीज में ऐसे हेल्प करता है कि हमारे को उससे टाइमिंग पता चलती है। यही टाइमिंग हमारी आईवीएफ में रहती है कि हमने 36 घंटे पहले ट्रिगर दिया जब भी हम पेशेंट का पिकअप करना चाहते हैं, और उनके रप्चर होने से पहले ट्रिगर ऑल्सो हेल्प्स इन मेच्योरेशन ऑफ एग। सो हमने ट्रिगर दिया, एक तो वो रप्चर करा रहा है, दूसरा वो उसको मेच्योर कर रहा है। सो ट्रिगर देने से हमें अच्छे एग्स मिलते हैं और टाइम्ड हो जाता है सब कुछ, आईयूआई भी टाइम्ड हो जाता है, आईवीएफ कब करना वो भी उससे टाइम्ड हो जाता है। सो वी आर एबल टू, इट इज लाइक जैसे आप डॉक्टर को मिलने गए एक क्लिनिक में और डॉक्टर निकल गई और आपके डॉक्टर मिस हो गई, ऐसे ही हम उस चीज को मिस ना करें, हम अपने एग को मिस ना करें और हम स्पर्म को डायरेक्ट करें टू वर्ड्स एग, उसके लिए ट्रिगर इंपॉर्टेंट है ताकि हम एग को अपॉइंटमेंट ले सके, एग से स्पर्म एग से अपॉइंटमेंट ले सके एंड फर्टिलाइजेशन हो। राइट। सो यूजली लोगों को लगता है कि ऐसे क्यों किया, इतने घंटे हो गए, सो सारा टाइम सब मैनेज्ड है, वी कैन से इट इज ऑल प्लान्ड, व्हाटएवर इज इन द हैंड ऑफ डॉक्टर्स। देखिए ऐसा है, आईवीएफ और आईयूआई का एक बेसिक फर्क है, आईयूआई में हमारे हाथ में सिर्फ कुछ चीजें हैं, दैट इज व्हाई अभी देखो हमने एग के लिए मेडिसिन दी, एग अच्छे बने कि नहीं बने, ठीक है, उसके बाद वो एग उसके अंदर जो फॉलिकल है उसके अंदर जो एग है वो किस क्वालिटी का है वो हम देख नहीं सकते, वो हम आईवीएफ में माइक्रोस्कोप में दे सकते हैं, इसमें नहीं देख सकते। अब वो एग रप्चर हो के पेट में गया कि ट्यूब में गया ये भी हमें नहीं पता, इसमें भी आईयूआई में हम गॉड पे बिलीव करते हैं कि वो ट्यूब में ही गया होगा, ठीक है। फिर हमने स्पर्म्स को रख दिया आईयूआई में, अब वो स्पर्म वहां एग तक पहुंचा के कहीं फंस गया, बिकॉज इफ द ट्यूब्स आर apparently good but not that good तो वो कहीं पे फंस भी सकता है या एग कहीं फंस सकता है और दोनों का आपस में मीटिंग नहीं हुआ, या फिर वो फर्टिलाइज नहीं हुए, एग इज नॉट एबल टू रप्चर द मेम्ब्रेन ऑफ द एग, द स्पर्म इज नॉट एबल टू रप्चर द मेम्ब्रेन ऑफ द एग एंड फर्टिलाइजेशन। पर हम ये सब चीजें हमने नेचर पे छोड़ी है कि एग का रप्चर हुआ होगा हमने ट्रिगर दिया है तो, और वो ट्यूब में गया होगा और दोनों मिले होंगे और फर्टिलाइजेशन हुई होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो ट्यूब से यूट्रस में आया होगा कि नहीं आया होगा, और फिर इम्प्लांटेशन हुई कि नहीं हुई, ये सब जो 90% प्रोसेस है आईयूआई में ये नेचर के हाथ है, हमारे हाथ है कि हमने एग बनाया, हमने ट्रिगर दिया रप्चर के लिए और ऐसा सोचा कि वो ट्यूब में ही गया होगा और हमने स्पर्म रख दिया कि सो दैट फैसिलिटेट्स आर फर्टिलाइजेशन, है ना। और हमें इम्प्लांटेशन का नहीं पता, हमें नहीं पता उन लोगों का आपस में मीटिंग हुआ कि नहीं, क्या था, राइट। सो दैट इज व्हाई द सक्सेस रेट इज लेस एज कंपेयर टू आईवीएफ। तो पेशेंट को ये आईयूआई कराते वक्त ये सोचना पड़ेगा कि मैं एक ऐसा प्रोसीजर करा रहा हूँ जो सस्ता है, मेरा पॉकेट फ्रेंडली प्रोसीजर है, बट इट हैज अ लेस सक्सेस रेट बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स आर नॉट इन हैंड ऑफ डॉक्टर, राइट। अगर किसी को फेलियर होता है तो उसको डॉक्टर की बजाय ये सोचना चाहिए कि 90% चीज तो डॉक्टर के हाथ में है ही नहीं, जो उसके हाथ में वो उसने अपने हाथ में रखा है। और आईवीएफ में हमारे हाथ में ज्यादा चीजें हैं, वी कैन सी वी मेक लॉट ऑफ एग्स, सो दैट इज व्हाई इतने एग्स बनाते हैं कि हमें ढेर सारे एम्ब्रियोज भी मिल सके। सो इम्प्लांटेशन वाला जो पार्ट है आईवीएफ में वो डॉक्टर के हाथ में नहीं है, इम्प्लांट होगा कि नहीं होगा वो कोशिश करता है। सो आईवीएफ का सक्सेस रेट इसीलिए 50-60% है और उसका सक्सेस रेट सिर्फ 10-15% है। राइट। दैट इज द रीजन व्हाई आईयूआई इज, बट इफ यू आर अ गुड पेशेंट फॉर आईयूआई यू शुड डेफिनेटली ट्राई आईयूआई। Right, because every time you just need not to jump on IVF just because of the success rate ratios and all that. Dr. Nagpal, in IVF, mostly the cases are with twin pregnancy.
सो व्हाट अबाउट आईयूआई? आईयूआई में क्या ट्विन प्रेगनेंसी पॉसिबल है? इट ऑल डिपेंड्स आपने किस मेडिसिन से पेशेंट को स्टिमुलेट किया है एग बनाने के लिए. ओके अगर आपने टेबलेट्स दिए हैं तो जनरली 1 या 2 eggs बनते हैं, और अगर आपने गोनाडोट्रोपिन यूज किए हैं तो देयर कैन बी 3 or 4 eggs. When there can be 3 or 4 eggs, there are chances, but the success rate is so less. The twin pregnancy rate is also very less. Right. जब success rate इतना कम है तो twin pregnancy rate भी उतना नहीं होगा. Yes. Right. और अगर आपने mostly लोग tablet से भी करते हैं, तो फिर उस केस में तो there are rarely chances के twin pregnancy हो, until unless there is a good family history of twin pregnancy. Right. So, हम ये कहेंगे कि ईच एंड एवरी फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट, डिसाइडिंग फैक्टर सबसे जरूरी. सो डॉक्टर नागपाल, वील टेक अनदर क्वेरी ओवर हियर. आई एंड माय हस्बैंड आर टोटली फाइन, बट ड्यू टू हेक्टिक वर्क शेड्यूल्स वी आर नॉट एबल टू हैव सेक्स ड्यूरिंग ओवुलेशन. कैन वी ट्राई आईयूआई विद फ्रोजन स्पर्म और फ्रेश स्पर्म साइकिल इज रिक्वायर्ड? See, fresh sperm cycle is always better. Fresh is always better than frozen in any case. If possible, fresh sperm cycle is possible, then one should go for fresh sperm IUI cycle. Yes, if it is not possible, then you can give frozen samples, and you can give multiple samples. We can pool them and make a good sample with good counts. Okay, right. So we can say that depending upon their situation, but again, as doctor mentioned, fresh is always better than the frozen. And one thing more, I just want to add one thing in that. If you have heavy schedules, but still I will say, in case we do husband IUI, I prefer that one should have natural intercourse also along with IUI. Single insemination works less, you know, percentage of success becomes less. If the couple are also doing intercourse, then you don't, whatever works, we want result. So best is ki you should live in IUI cycle with your husband. Right. बिल्कुल. बिकॉज बहुत सारे केसेस में अब तो खैर लोगों को फिर भी थोड़ा पता चला है, शुरू शुरू में देवर लाइक के आईयूआई करके भी डॉक्टर ने बोला कि घर जाकर आप रिलेशन रख सकते हैं, तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल, वो हमारे एम्ब्रियो को हार्म करेगा. सो नाउ आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिलेशनशिप आफ्टर आईयूआई ऑल्सो. डॉक्टर नागपाल, आपने शुरू में मेंशन किया था एंडोमेट्रियोसिस के बारे में. यू सेड कि अगर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का केस है या एंडोमेट्रियोसिस है, देन आईयूआई यूजुअली इज द फर्स्ट ऑप्शन. सो व्हाई विद एंडोमेट्रियोसिस? आई जस्ट वांट टू से ओनली माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस मे हेल्प, मे गेट हेल्प फ्रॉम आईयूआई इफ द एंडोमेट्रियोसिस इज माइल्ड, बट इफ इट इज मॉडरेट टू सीवियर, वन शुड बेटर मूव टू आईवीएफ. Right. We have one query related to this endometriosis only. The lady had recently had a laparoscopic surgery for the removal of endometriotic cyst, and doctor has advised her to undergo at least 2 to 3 IUI cycles. So she is asking what you suggest, ma'am. Actually, I just want to know what is the her stage of endometriosis. Is it mild or moderate or severe? She said doctor mentioned it as mild. हाँ, तो mild she should immediately go for 2 to 3 because post surgery एकदम उसका advantage लेना चाहिए और एकदम उसको IUI में जाना चाहिए because endometriosis reoccurs. Endometriosis is something inherent. वो वापस आएगा ही आएगा. तो जब तक उसको सर्जरी का बेनिफिट है, शुरू के 6 months में रहता है, जब तक उसके वापस से सिम्टम्स या कुछ इस तरह से वापस नहीं आता, और थोड़ा जो एनवायरनमेंट है यूट्रस फ्रेंडली रहेगा बिकॉज अभी सर्जरी हुई है, या एम्ब्रियो फ्रेंडली रहेगा, तो उसको इमीडिएटली आईयूआई ट्राई करना चाहिए. एंड 2 to 3 साइकिल्स हो जाए और नहीं हो रहा है, देन वन शुड गो फॉर आईवीएफ बिकॉज एंडोमेट्रोसिस तो धीरे धीरे एज के साथ इंक्रीज होना है ग्रेड में, और साथ में यू विल फील मोर डिसअपॉइंटिंग ना if time goes by, because वापस आ जाएगा, फिर से वही सब वही सिस्ट बन जाएंगे and all that.
सो डॉक्टर नागपाल, जैसे आपने बोला और हम सब भी जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस दोबारा आ जाता है, तो क्या फिर दोबारा से उसकी सर्जरी करनी जरूरी है कि हम उसको सप्रेशन पे छोड़ सकते हैं? इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट को अब सेकेंड टाइम क्या सिम्टम्स हैं। अगर तो उसको, क्योंकि पेशेंट के डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को पेन होता है, किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है ज्यादा, है ना, तो डिपेंड करता है। अगर पेन है तो, और अभी इतना ज्यादा नहीं आया है वापस, तो यू कैन ऑलवेज गो ऑन मेडिकेशंस। बट अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, फिर से आ गया है, पर डेफिनेटली अगर फिर से आ गया और दो दो रेकरेंसेस के, दो बार डिजीज के बीच में अगर उसको प्रेग्नेंट होने का मौका नहीं मिला, देन इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग कि सेकेंड सर्जरी में बाद फिर उसको मौका मिलेगा कि नहीं, यू कैन नॉट से इट। देयर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन माइक्रोस्कोपिकली इन आवर बॉडी, यू सी, एंड वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन एग्जैक्टली व्हेन द थिंग रीअकर्स, और हम उसको कितना सक्सेस आगे दे पाएंगे। बेस्ट इज के एक बार सर्जरी कराई है तो आप अपना 100% दो, आप माइल्ड केस हो, आईयूआई में जाओ, नहीं हो रहा देन इमीडिएटली मूव टू आईवीएफ, डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम, माइल्ड राइट। माइल्ड एंडोमेट्रोसिस में अच्छे रिजल्ट्स हैं, अल्टीमेटली प्रेगनेंसी के अच्छे हैं। सो आपने अपना सवाल का जवाब सुना डॉक्टर नागपाल से, एंड एज डॉक्टर सजेस्टेड, प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस वी ऑल नो इज अ काइंड ऑफ स्टबन डिजीज। इट हैज अ टेंडेंसी टू री अपियर अगेन एंड अगेन। और अगर आपको लगता है कि यू नीड टू डिस्कस योर केस फर्दर, प्लीज लेट अस नो, एंड इफ यू वॉन्ट टू कंसल्ट डायरेक्टली विद डॉक्टर शालिनी, देन ऑल्सो सेंड us a message on our official number and we'll directly connect you with the doctor. So doctor, we have another query over here. Ma'am, my husband is having erectile dysfunction and also his sperm count is low. My AMH is 2.30. Husband is 39 and I am 36. Which treatment is good for me? IVF or IUI? She has not mentioned in detail what is the sperm count. Okay, right. She Her just mentioned parameter is not bad except for age. Age is 36, but her AMH is good. अगर sperm count बहुत कम नहीं है तो then you can try one or two cycles of IUI. पर अगर sperm count बहुत severe है, जैसे कि मैंने बोला severe male factor problem में आपको IVF में जाना पड़ेगा, बहुत कम मोटिलिटी है, डिसमॉर्फिक स्पर्म्स हैं, काउंट बहुत कम है, और एक होता है कि खाली काउंट कम है, वैसे नॉर्मल स्पर्म्स है, एक होता है काउंट भी कम है, मोटिलिटी भी नहीं है, एक होता है काउंट भी कम है, मोटिलिटी भी नहीं है, और शेप भी अच्छी नहीं है स्पर्म्स की, राइट, दे सारे आर थ्री फैक्टर्स। थिंग्स। हाँ, तो अगर तो सिवियर है तो यू बेटर यू शुड गो फॉर आईवीएफ, और अगर माइल्डली कम है काउंट और योर एमएच इज गुड, देन यू कैन ट्राई वन और टू साइकिल्स आईयूआई। और ट्यूब्स के बारे में भी नहीं लिखा। बिल्कुल। सो ट्यूबल फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है, एंड डॉक्टर नागपाल ऑल्सो डिस्कस दिस इन द बिगनिंग ओनली, दैट प्लीज चेक योर ट्यूब्स। इट इज रियली इम्पॉर्टेंट टू नो द पेटेंसी ऑफ योर ट्यूब्स इफ यू आर गोइंग फॉर आईयूआई। डॉक्टर शालिनी, यूजली लोगों का कहना है कि मैं एचएसजी टेस्ट नहीं करवा सकती, इट्स अ पेनफुल थिंग, तो व्हाट यू सजेस्ट फॉर सच पेशेंट्स? एंड प्लीज यहाँ पे आई रियली वांट यू टू एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट, क्योंकि हमारे पास अगर दिन में हम 10 कॉल्स ऐसे ले रहे हैं तो आप यकीन मानिए उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ट्यूबल टेस्ट हमने तो करवाया ही नहीं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके आईयूआई हो रहे हैं और उनके ट्यूबल टेस्ट हुए नहीं, राइट, बिल्कुल एंड ठीक, सम हैव ट्यूबल फैक्टर प्रॉब्लम्स एंड दे आर अंडरगोइंग आईयूआई। सो दिस इज राइट। रियली आई थिंक अनफेयर टू पेशेंट के पेशेंट को इसके बारे में नॉलेज नहीं हो। ट्यूबल टेस्ट देखिए इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, इट्स अ ओपीडी प्रोसीजर। अगर कोई पेशेंट ज्यादा डरा हुआ है, वी कैन गिव हर माइल्ड सेडेशन, और मेरे को लगता है माइल्ड सेडेशन के बाद उसको पेन नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। तो और हम उसको आराम से कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। इट इज वन ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट। अगर ट्यूब्स एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमारे ये डिसाइड होता है कि पेशेंट इज फॉर आईयूआई और फॉर आईवीएफ, इनफर्टिलिटी का बिल्कुल, पेशेंट। सो ट्यूब्स अगर खुली हैं, एज छोटी है, इनफर्टिलिटी की ड्यूरेशन कम है, मेल स्पर्म्स
नॉर्मल है, सो देन व्हाई नॉट मतलब ट्राई कि भाई एक बार ट्राई करते हैं आईयूआई के लिए, कुछ इस तरह से लग रहा है तो. पर पे ट्यूब्स अगर बंद हैं और मेल फैक्टर भी है तो हम लगे रहे आईयूआई करने के लिए, उसका क्या मतलब बना? वी शुड गो फॉर आईवीएफ. सो ट्यूब्स की इम्पोर्टेंस बहुत है और ट्यूब से डरने की जरूरत नहीं है इस टेस्ट से. इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसीजर. और अगर वैसे तो हम सिडेशन नहीं देते हैं, एक एंटी स्पैजमोटिक पेन किलर देते हैं, पर अगर किसी को लगता है 95% पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं होती राइट. पर किसी को अगर कुछ एप्रिहेंशन है कुछ है तो वी कैन ऑलवेज गिव हर सम माइल्ड सिडेशन एंड देन वी कैन डू इट. And the most important thing is that please don't ignore this test. It's really important. Dr. Shalini mentioned कि अगर आपका tubal factor ठीक है, आपके tubes patent हैं, तभी आप IUI करवाइए, otherwise नहीं. Dr. Shalini, बहुत बार देखा गया कि report में लिखा होता है late spill, delayed spill. So, what you suggest for such patients जिनके report में ये दो words mentioned हैं, late and delayed spill? So, the tubes might be partially blocked or we can go for laparoscopy in such patients. अगर हमें लगता है कि delayed spill है, so there might be some problem in those patients. कई बार ऐसा होता है कि tubes spasm में चली जाती हैं, उस वजह से भी ऐसा होता है. So, we have to see the shape of the ट्यूब. एचएसजी एक एक्सरे के फॉर्म में हमारे पास आती है फिल्म्स, उसकी हमको उसकी शेप देखनी चाहिए. शेप देखने से हमें पता चल जाता है कि किसी तरह की ट्यूब की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कहीं पे कुछ डायलिटेशन तो नहीं है, कोई हाइड्रोसील जैसी पिक्चर तो नहीं आ रही है, है ना. और कितना स्पिल हुआ है, अगर तो थोड़ा सा ही हुआ इट मीन्स डेफिनेटली ब्लॉक्ड है. अगर प्रॉपर स्पिल हुआ है, पहले थोड़ा हुआ फिर एकदम क्लियर हो गया, तो ऐसा हो सकता है कुछ प्लग हो जो एकदम हमारे पुश करने से, जब हमने डाई पुश किया जोर से तो वो खुल गया और एकदम नॉर्मल स्पिल आ गया. सो वी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिक्चर, एक्सरे पिक्चर्स वी गेट. अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो डेफिनेटली वहां बैलूनिंग हो जाएगी, वहां डाई इकट्ठा हो जाएगा और डेफिनेटली वो किस पार्ट में ऐसा हो रहा है वो भी हमें दिख जाएगा कि प्रॉक्सिमल पार्ट में है, डिस्टल पार्ट में है बैलूनिंग हो रही है. और हल्का सा स्पिल आया तो डेफिनेटली देयर इज ब्लॉकेज, पूरा का पूरा डाई आया नहीं, डाई बाहर आ जाता है, रीगर्जिटेट कर जाता है. अगर हमें लगता है कि भाई सारा स्पिल नहीं हुआ तो वो रीगर्जिटेट करके वापस आ जाता है, जब हम करते हैं तो हमें दिख जाता है कि आधा डाई तो बाहर ही निकल गया. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी इन्फर कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है. Right. But again, we could say that this is really an important test if you are going for IUI. Dr. Shalini, next question is related to IVF. Usually, implantation failure se related hai, thin endometrium. So, nowadays we are getting many queries related to thin endometrium and interestingly jab unko natural cycle mein dekha jata hai to unka endometrium thickness bahut badhiya nikalta hai, lekin jab unko preparation stage pe rakha jata hai tab usually wo bahut thin rehta hai. So we have many queries related to this ki aisa kyun hai ki medicines ke baad the endometrium is not growing properly but in the natural cycle the thickness is really good. So what could be the reason of this? देखिए ऐसा है कि जब हम IVF करते हैं we are giving lot of hormones to the patient, lot of gonadotropins and lot of hormones. तो उनका जो hormonal milieu है वो disturb हो जाता है. उस वजह से क्या है कि इसीलिए fresh embryo transfers होने कम हो गए हैं, क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड एंडोमेट्रियम और द डेटिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन. जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इम्प्लांट करें, पर उसकी एंडोमेट्रियम की जो एजिंग है वो डिफरेंट है. इम्प्लांटेशन जिसको हम इम्प्लांटेशन विंडो कहते हैं वो उससे बाहर है एंडोमेट्रियम, तो इसीलिए जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर फेलियर्स हो जाते हैं, इम्प्लांटेशन फेलियर्स हो जाते हैं. इसमें हम लोगों के पास अब फिर इसीलिए फ्रोजन ईटीज जो है अपकमिंग हो गए कि वी विल सेपरेटली बिल्ड अप द एंडोमेट्रियम नॉट इन द सेम साइकिल ऑफ आईवीएफ बट लेटर ऑन. इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेशेंट को एफईटी के लिए लेते हैं 1 मंथ 2 मंथ वी ट्रांसफर द एम्ब्रियो ओनली व्हेन द एंडो वी गेट द डिजायर्ड
एंडोमेट्रियम दैट ऑल्सो. हाँ, और अगर हमें लगता है कि अभी नहीं, अभी तो नहीं है, कई बार क्या होता है कोई फॉलिकल रह जाता है, कोई फॉलिकल जो है वो आईवीएफ साइकिल के बाद एक आधा रह जाता है जो हम पिकअप नहीं कर पाए, या जो वेसल के पास था या कुछ ऐसे, तो वो डिस्टर्ब करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को. और जब तक वो फॉलिकल रिजॉल्व नहीं होगा, वी विल नॉट गेट द गुड एंडोमेट्रियम वी रियली वॉन्ट. सो देर आर मेनी फैक्टर्स जो हमारे एंडोमेट्रियम में हिंडर करते हैं प्रॉपर ग्रोथ में. और फिर भी अगर किसी का लगता है ऐसा है, तो वी कैन गो फॉर नेचुरल साइकिल ईटीज, क्योंकि अगर आप बता रहे हो नेचुरल साइकिल में बहुत अच्छी बन रही है, तो वी कैन गो फॉर. बट दैट इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, क्योंकि उनके साथ में ओवुलेशन भी हो रही है, उसके साथ टाइमिंग करके हमें देना पड़ेगा. राइट, अंडरस्टूड. सो व्यूअर्स, अगर आपका थिन एंडोमेट्रियम है, कुछ इश्यूज हैं, एंड एज डॉक्टर नागपाल आल्सो सजेस्टेड कि बहुत सारे इंजेक्शंस, ट्यूमुलेशंस, हॉर्मोन्स, सिंथेटिक हॉर्मोन्स पर्टिकुलरली वी कैन से आपकी बॉडी में जा रहे हैं, जिसका कि आपकी बॉडी को आदत नहीं है, तो इसलिए हो सकता है ये सिचुएशन आपके साथ थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग की हो रही है. बट डोंट वरी, आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, आप डिटॉक्स न्यूट्रिशन प्लान ले सकते हैं हमारे साथ, आप आगे आइए, बात कीजिए, कुछ ना कुछ ऑप्शन तो ज़रूर निकलेगा. एंड डॉक्टर शालिनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. IUI से रिलेटेड कुछ मिथ्स थे लोगों के मन में, उनको लगता था कि नहीं, IUI नहीं करेंगे, IVF ही करेंगे. आज हमने उन सब के बारे में डिस्कस किया, हमने लोगों को बताया कि IUI की भी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है. एंड इफ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ IUI, देन वाई टू जम्प ऑन IVF. IUI हमेशा आसान है, पॉकेट फ्रेंडली है, आपको ज़्यादा हॉर्मोन्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है, और रिजल्ट्स, माना परसेंटेज सक्सेस कम है, बट अगेन रिजल्ट्स तो है, सक्सेस तो है. सो डॉक्टर शालिनी, एनी पार्टिंग नोट फॉर आवर व्यूअर्स? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जितने भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, दे शुड नॉट टेक स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस लीड्स टू 30% ऑफ इनफर्टिलिटी. जब भी कोई कपल क्लिनिक में आता है, वॉट एवर दे आर सो एंशियस, स्पेशली द फीमेल पार्टनर, बिकॉज हमारी सोसाइटी में सारा जो एक बर्डन ज्यादा फीमेल पे आ जाता है इनफर्टिलिटी का. तो मैं सबसे पहले तो बोलती हूँ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होता, मेडिटेट करो, योगा करो, और आप अपना एक स्ट्रेस लेवल कम करो. और स्ट्रेस लेवल कम करके फिर मेरी बात ध्यान से सुनो कि आगे ऑप्शंस क्या हैं, और देन वी विल प्रोसीड फर्दर, बोथ यू एंड आई वी विल गो फर्दर. तो सबसे पहले तो स्ट्रेस कम कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आप अपने डॉक्टर के साथ बहुत अच्छे से उस बात को डिस्कस कीजिए, अपने मन में मत रखिए. अगर आपको किसी भी चीज को लेके डाउट आ रहा है, और आपको अपनी इस जो ट्रीटमेंट की जर्नी, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या, आपने कितना रास्ता तय कर लिया और कितना बचा है, और आगे क्या स्टेप लेना चाहिए. डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए. बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो बात नहीं कर पाते हैं और बाद में गूगल खोलते हैं. इससे अच्छा आप पेशेंट से बात करके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, सही डॉक्टर से बात करके आप सही इंफॉर्मेशन लीजिए. और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कुछ निराशा है. आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज का जवाब है, हर चीज का इलाज है, एक्सेप्ट फॉर सम थिंग्स बहुत ज्यादा. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि IUI इज नॉट दैट डिप्रेसिंग. एक कपल का नॉर्मल कंसीविंग रेट एक साइकिल में 7-10% होता है, तो IUI आपको डबल रेट तो दे ही रहा है, राइट, विद लेस मनी इन्वेस्टमेंट. सो इसीलिए मुझे लगता है IUI पे ट्रस्ट करना चाहिए. पर पेशेंट सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, पेशेंट सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए. दूसरी बात, जब आप IUI करवा रहे हैं, तो आप ये बात इंश्योर कीजिए कि जो IUI का सैंपल है, जिस डॉक्टर से आप करवा रहे हैं, उस डॉक्टर के सेंटर पे ही बन रहा हो. क्योंकि अगर आपके जो डॉक्टर हैं दूसरी जगह से IUI का सैंपल तैयार करवा रहे हैं, तो इतनी गर्मी में तो स्पर्म्स रस्ते में ही मर जाएंगे, तो रिजल्ट नहीं आएगा. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपके डॉक्टर खुद IUI सैंपल तैयार करें और फिर आप IUI करवाएं. बिकॉज आप देख सक रहे हो इतनी गर्मी में 50 डिग्री में कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, डॉक्टर खुद बना रहे हो. सो ये दो चार चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए IUI के टाइम पे. लेस स्ट्रेस, बेटर कम्युनिकेशन विद योर डॉक्टर, एंड पॉजिटिविटी. बिल्कुल, पॉजिटिविटी. एंड सो
जैसे डॉक्टर शालिनी ने बोला, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, आप मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, एंड प्लीज डू कनेक्ट फर्टिलिटी दोस्त फॉर एनरोलमेंट इज इन सच वंडरफुल सेशंस एंड एनरोलमेंट इन आर इन हाउस प्रोग्राम्स. थैंक यू डॉक्टर शालिनी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टूडे, एंड थैंक यू यूएनएस फॉर अरेंजिंग दिस वंडरफुल सेशन. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू.